तो हम आ गए सम्राट, और दीदी अपना व्लॉग शूट कर रही है, मैं अपना शूट कर रही हूँ, और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि हमने सोचा कि नहीं ओपन बंद है, मतलब इस रूम की बात मशरूम खाना था मैं तो, अभी बंद है, हमें वापस जाना पड़ रहा है। अब हमें मोमोज ही खाना पड़ेगा, जो कि मैंने कहा था। जीजू हाय करो। कहाँ से? फ्राइड राइस वहाँ से। चल, आज कौन सा डे है? तो गाइस ये आई है ब्लू ब्लू बन के, और मैं आई हूँ वाइट वाइट बन के, और जीजू भी आए हैं थोड़ा सा नेवी ब्लू बन के, और इसका कपड़ा बहन तूने जीजू से क्यों मंगवाया मेरे से? फिर मैं नहीं पता, मैं हाथ में लेके नहीं डोलूंगी। हाँ, जूते भी मंगवा लिए इसने, ये कपड़ा अच्छा तो लग रहा है। दीदी ने किया है ऑर्डर चिकन फ्राइड राइस, और मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। जीजू बताइए, जीजू बताओ, इसका बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जीजू बताओ, इसके पीछे पड़ जाता है चिकन फ्राइड राइस और चिली सॉस। चुप रहो, ये नॉन सॉस से सारे सॉसेस मिला के फिर बनाते हैं। अच्छा, चिकन बनाते हैं तो गाइस आपको पता चल गया होगा चिकन फ्राइड राइस और बिरयानी में डिफरेंस। जिन्हें नहीं पता था वो देख लिया, जिन्हें पता था अच्छी बात है। और अभी हम आए हैं कौन सी शॉपिंग, सम्राट के जस्ट बगल में आए हम, क्योंकि वो सम्राट में भी ओपन नहीं था। शमनी जिसकी लस्सी बहुत फेमस है, दही वाली। तो अब हम देखते हैं, खाएंगे पियेंगे, और ये भी गेम खेलेंगे। लस्सी नहीं, मन भर जाता है, आप दोनों तो पी लोगे एक में, मुझे पूरा एक लेना पड़ेगा। तो अब क्या मंगाएंगे? इस ये आ गया हमारा चिकन, क्या था, फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस, मेरा कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप देखते हैं खा के इसे, और चल खाने जा रहे हैं चिकन फ्राइड राइस। नहीं मुझसे बेटी हो रहा, हाथ हटा लो, ये वाला हाथ हटा लो। हां तो बोल दो, मैं एक जी कितना खाती है, आपको हर जगह मैंने दिखाया कितना खाती है, सारा इसी ने खाया है, और एक गिरा भी दिया। नजर ना लगे। हाँ हाँ, तो गाइस मैं यहाँ पे नाम पूछे थे, नाम क्या है, सामने ही नाम लिखा हुआ था, समीर भाई लस्सी वाला। हमारी लस्सी आ गई, और एक ये रही ये रही। ये लिफ्ट से आ गई है तो पहले खुली है, तो ये मुंह बना लिया है, और मेट्रो में अलाउड नहीं है तो बंद कर देती हूँ। पहुँच चुके हैं हुड्डा सिटी सेंटर। हाँ हाँ, यहाँ पे हम आए हैं, तो अब हम जाएंगे, देखते हैं। अब कैब करनी पड़ेगी यार, कैब में कितना टाइम लगेगा। मुझे मुझे कैब बिल्कुल नहीं पसंद, 1% भी नहीं पसंद। गाइस हम आ चुके हैं, दिखा रहा हूँ आपको, पता है तो फिर आप बोल दो बस, कि सामने वाले को कस्टमर को कर दो कि हाँ भाई पता है, हमें ले चलते हैं। जीजू नाम क्या है? आ गए हम स्काई जम्पर पे, आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा है ये जगह, आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। वेट, और दीदी अपना व्लॉग शूट कर रही है, ये रहा। ये फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है, आज देखो आपको कैसा लग रहा है फ्लावर, ये कितना सुंदर है। हाँ वही तो बोल रही हूँ। आज मेरे को ना चोट लग गई है, देखो आपको दिख रहा है, और ये काफी बड़ा मॉल है। तो मेरी दीदी डरने वाली है, क्योंकि ये वाटर पार्क जाते हैं ना तो कभी भी एक स्लाइड लेते हैं। दीदी तो एक स्लाइड भी लेती है, सारी लेती है। ऐसे मैं वाटर पार्क जाऊंगी ना तो आप इस रिकॉर्डिंग करूंगी, ये छोटी स्लाइड भी नहीं लेती, छोटी स्लाइड इसी फ्लोर पे।
यही से राइट वाइज पहले इन्हें फिल करना पड़ रहा है इंडिविजुअल फॉर्म डालना पड़ रहा है तेरा और अभी मतलब जीजू टिकट लेंगे तब हमारी एंट्री होगी इसी के अंदर। तो अभी पूरे आधे घंटे पर ना मेरे हमारे पास ले। तो गाइस अगर इसमें हम जा रहे थे ना तो यहाँ से निकलना ऐसा लग रहा था कि निकल ही नहीं पाएंगे। अरे कहाँ जा रही है? बहुत दिक्कत हो रही थी पर ये कि हमने बहुत इंजॉय किया और देखो बड़ी मुश्किलों से मैं कोने तक तो पहुँच चुकी हूँ पर अभी भी निकल नहीं पाई हूँ प्रॉपर। और सबसे ज़्यादा इंजॉय हमने इस पर किया जंप वाले में, मतलब ऑटोमेटिक हम अपने आप जंप हो रहे थे, एक बार करने की देर थी और फिर कई बार गिरे भी, कई बार मतलब बहुत बार गिरी हूँ मैं तो, पर बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा। तो गाइस मुझे यहाँ इतनी हंसी आ रही थी कि पीछे से कोई गया ना उसके मुंह पे मेरी लात लगी थी इसलिए मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तो हम स्काई जंपर से आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा गर्मी का मौसम आ गया है बल्कि अभी फैब चल रहा है, थक गए पर मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया। कुछ क्लिप्स होंगी जो मेरे पास बनी हैं वो मैं आप सबको शेयर कर दूँगी, मतलब इसमें व्लॉग में डाल दूँगी और आई होप आप सब भी इंजॉय करेंगे उसे। और ये गुड़गांव में है, अगर आपको रूट नहीं पता तो आप मेट्रो कर सकते हैं, मेट्रो से हुड्डा सिटी सेंटर, फिर वहाँ से आपको एक ऑटो लेना पड़ेगा 100 रुपये में, वो यहाँ पे हमें छोड़ देंगे स्काई जंपर पे। मनीष जी यहीं पर आए रे और हमारा हुलिया कुछ ऐसा सो गया, क्योंकि इतनी गर्मी है ना गाइस, इतनी गर्मी है ये पूछो मत। हाँ डोमिनोज, तो गाइस दीदी कह तो रही है हमें डोमिनोज पे ले जाने के लिए, अब पता नहीं इसका मूड अचानक से चेंज हो जाता है। हाँ नहीं फिर तो नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि ऑर्डर आने में टाइम लगता है। हो जाएगा आपका? हाँ चलो 3:30 बजे तक। हमें कुछ भूख लग रही है तो हम जा रहे हैं डोमिनोज पे, दीदी और जीजू पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं और अब जा रहे हैं अंदर। मोटी और मोटी पलट, हमने बहुत सारे फोटोशूट भी कर लिए हैं और हमने मतलब वो भी कर लिया, क्या बोलते हैं, एक वीडियो है जिसमें हमें बहुत हंसी आई थी बहुत, अगर हो पाएगा तो मैं वो क्लिप डाल दूँगी। और बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया पर मेरे को घर जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि आज मेरी बुकिंग है इसलिए मेरे को घर जल्दी जाना पड़ रहा है, वरना मैं थोड़ी देर और इन्जॉय करती इनके साथ। हमारा जब तक पिज़्ज़ा आ रहा था तब तक हमने फ़ोटो क्लिक कर लिया, फ़ोटो शूट कर लिया, अब हम देखते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा आया है नहीं। ऑटो में ले चलेंगे मनीष, ऑटो में खाएंगे। गाइस हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ये देखो कहाँ ऑटो में खा रहे हैं।
चाहिए था आपको। जीजू अभी कैमरा ऑन हो गया, दीदी की ओवर एक्टिंग देखना। तब तो किया ही नहीं, आओ आप तो करो। जैसे तूने मैच में भी बोला था कुछ बोलो बोलो, वीडियो बन रही है। हम पहुंच चुके हैं विधानसभा और अब क्या बोल, घर पहुंच के मेरे को मेकअप भी करना है गाइस, और मेरे को पढ़ाना भी है और मैं थक जाऊंगी। फिर भी सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करती, तो आप मुझे बताना कि मैं कितना काम करती हूँ। मैं इंजॉय भी करती हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं मेकअप भी करती हूँ, पर ये बात है कि आज दीदी हमें बना के खिलाएगी चिकन या मटन। अगर इसने अच्छा बनाया बनाऊंगी यार, क्योंकि मेरे पति को चिकन खाना है और मेरे को मटन, तो तेरी नहीं चली जाएगी। गाइस देख लो कितनी बदतमीजी है, गौर से देखो इस लड़की को कितनी बदसूरत लग रही है। सो गाइस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सबने भी बहुत इंजॉय किया होगा इस वीडियो के थ्रू, और आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर जाएं क्योंकि बहुत ही अलग ही फीलिंग आई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय किया। बाकी तब तक के लिए बाय, टाटा।